हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ नया टेक ज्ञान देने जा रहा हूं, जिसमें कि आज जो है चीनी निर्माता कंपनी ने दो नए हैंडसेट लॉन्च किए हैं। इसी के साथ इंडियन कंपनी ने एक वीवो का V7 प्लस लॉन्च किया है, जो कि सेल्फी फोन है, जिसमें 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में वीवो V7 प्लस के बारे में, प्लस चीनी कंपनी ने जो फोन लॉन्च किया है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीवो ने 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरे के साथ फोन लॉन्च किया है। आइए इसके सारे फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्लस मैं आपको ये भी बता देता हूं कि चीनी निर्माता कंपनी ने कौन सा फ़ोन लॉन्च किया है और क्या कीमत रखी गई है, और वीवो का जो फ़ोन लॉन्च हुआ है उसकी क्या कीमत रखी गई है हमारे देश इंडिया में। वीवो ने सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन V7 प्लस लॉन्च किया है, जिसकी जो है भारत में कीमत जो रखी गई है 21,990 रुपये रखी गई है। इसमें जो है 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, और जो V7 प्लस है कंपनी का पहला फोन है जिसमें स्नैपड्रैगन का 450 चिपसेट लगा हुआ है। इसे आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, इसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में परचेज कर सकते हैं। वहीं चीनी निर्माता कंपनी हुआवे के सब ब्रांड ऑनर ने नया हैंडसेट लॉन्च किया है, जो है उसका जो मॉडल है ऑनर 6 प्ले के नाम से लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत इंडिया में 5,880 रुपये करीब 6,000 के अबाउट में रखी गई है, और इसे जो है वाइट और गोल्ड कलर में लॉन्च किया गया है। सबसे पहले हम चलते हैं वीवो V7 प्लस के फीचर्स के बारे में जानते हैं। इसमें 5.99 इंच का फुल व्यू डिस्प्ले दिया गया है, और यह इस फोन में जो है 4LM का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर दिया गया है, और 4GB की रैम दी गई है और 64GB इंटरनल मेमोरी दी गई है, जिसे हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। यह फोन 7.0 नॉकट पर काम करेगा और जिस पर फ्रंट टच की स्क्रीन दी गई है। और इस फोन में जो बैटरी की बात करें तो फोन की बैटरी जो है 3225 mAh की बैटरी इसमें दी गई है। बैटरी के हिसाब से बहुत बेटर फोन है नहीं, बट सेल्फी कैमरा है 24 मेगापिक्सल, सबसे बड़ी बात यही है। कैमरा और कनेक्टिविटी की बात करते हैं। फोटोग्राफी के लिए इसमें F20 अपर्चर और 16 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा दिया गया है, और फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें जो है 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, 55 मोड से लेस है। कनेक्टिविटी की बात करें, इसमें 4G LTE, VoLTE, USB पोर्ट, बाकी सारे जो फोन में फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स इसमें भी अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं, जो चीनी निर्माता कंपनी ऑनर 6 प्ले का फ़ोन लॉन्च किया उसके भी आज हम इस वीडियो में फीचर्स मैं आपको बता दूं। उस फोन में जो है ऑनर 6 प्ले के फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो 5 इंच HD डिस्प्ले दिया गया है। पिक्सल का रेजोल्यूशन की बात करें 1280x720 रेजोल्यूशन है, और इस फोन में जो है 1.4 GHz का क्वाड कोर मीडिया टेक का M36737 प्रोसेसर दिया गया है। इस फोन में रैम की बात करें तो 2GB की रैम दी गई है। इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो 16GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। माइक्रो SD कार्ड के द्वारा इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, और यह फोन जो है 6.0 मार्समेलो पे वर्क करेगा।
और बैटरी की बात करें तो इसमें 3020 mAh की बैटरी दी गई है। आगे बढ़ते हैं, कैमरा और कनेक्टिविटी की बात कर लें। इसमें फोटोग्राफी के लिए जो है 8 MP का रियर कैमरा दिया गया है, या जो है f/4.2 अपर्चर और 12 MP फ्लैश इसमें दिया गया है। वहीं पर LED फ्लैश जो है और इसमें फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो 5 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। कनेक्टिविटी के इसमें 4G UID सपोर्ट और 12 SIM दिया गया है। ब्लूटूथ 4.0 वाईफाई GPS माइक्रो USB फीचर्स हैं। बाकी जो नॉर्मल फ़ोन में होते हैं वो सारे फीचर्स इस फोन में दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर इसमें से आप भी कोई भी फ़ोन परचेज करना चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपने इसे परचेज़ किया है तो आपका इसका यूज़ करने के बाद कैसा फील हो रहा है, फ़ोन में कैसा वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर दोस्तों आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।